हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो कैसे आप अपने रेगुलर फंड को डायरेक्ट फंड में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली ऑनलाइन प्रोसेस है स्टेप वाइज मैं आपको शो करूंगी सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि कैसे डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए एज कम्पेयर टू रेगुलर फंड तो जनरली जब आपने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होगा किसी बैंक के थ्रू या फाइनेंशियल कंपनी के थ्रू पहली बार आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की होगी तो ऑटोमेटिकली एक रेगुलर फंड में आपको इन्वेस्ट करने का सजेशन मिला होगा रेगुलर फंड में क्या होता है बीच में ब्रोकर या एजेंट इन्वॉल्व हो जाता है जिसके कारण आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो डिडक्ट हो जाता है आपके म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट में से अब अगर आपका एक्सपेंस डिडक्ट होगा आपके प्रॉफिट में से तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा सेम वे अगर आप रेगुलर फंड से डायरेक्ट फंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो डायरेक्ट फंड में बीच में कोई ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं होगा उस ब्रोकर के नहीं इन्वॉल्व होने के कारण आपका जो 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 एक्सपेंस है है ब्रोकर ब्रोकर तरफ जा रहा था, जो पैसा ब्रोकर को जा रहा रहा था था पैसा को वो हट जाता है। और वो पैसा हटने से आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाता है तो इट्स बेटर आजकल बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल्स अवेलेबल है आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फंड सूटेबल होगा आप डिसाइड कर ले और ऑनलाइन जाकर बहुत ही इजीली आप प्रोसेस को फॉलो करके खुद इन्वेस्ट करें डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करें उसकी वजह से आपकी प्रॉफिट मार्जिन अच्छी खासी बढ़ जाती है अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तब ये एडवाइजेबल होता है कि आप रेगुलर फंड के थ्रू जाए आप किसी बैंक के थ्रू या फाइनेंशियल कंपनी के थ्रू उनके एजेंट से या ब्रोकर से एडवाइस लेके आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही रहेगा एक बार आपने फंड चूज भी कर लिया तब भी आप बाद में कभी भी रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं सेम फंड को तो चलिए हम देख लेते हैं ज्यादा इजी होगा आपके लिए समझने में इन सिंपल अगर आप रेगुलर फंड से डायरेक्ट फंड में जाते हैं तो आपका एक्सपेंस हट जाता है जो कि ब्रोकर को जा रहा था जो पैसा वो हट जाता है उसके कारण आपके फंड की जो एन है नेट एसेट वैल्यू वो बढ़ जाती है और एनए बढ़ने के कारण आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाता है तो आप अपने गूगल ब्राउजर पे जाए सिंपली टाइप करें एस बी आई एम एफ एस बी आई एम एफ सर्च करते ही आपको जो फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी डब्ल्यू 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 डॉट एस बी आई एम एफ डॉट कॉम इस पे क्लिक करें इसके लॉगिन पेज पे, पे आप देख लेंगे यहाँ आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख जाएगा लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड मेंशन करनी है यूजर आईडी आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी है तो जब आपने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया होगा उस वक्त आपने अपनी मेल आईडी दी होगी अपना मोबाइल नंबर दिया होगा वही मेल आईडी आपको यहाँ पे यूजर आईडी में देनी है और पासवर्ड की जगह आप ओ पे क्लिक करें ये ओ टी आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चली जाएगी जैसे ही आपके मोबाइल नंबर पे ओ जाए वो ओ आपको यहाँ पे यहाँ पे डालनी है उसके बाद आप लॉग पे क्लिक करें यूजर आईडी में मेल आईडी डालें पासवर्ड में अपने मोबाइल पे दी गई ओटीपी को डालें और उसके बाद लॉग पे क्लिक करें। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना पैन नंबर देना है पैन नंबर ये सारा आपके कैपिटल लेटर्स में होंगे तो अपना पैन नंबर यहाँ डालें। उसके बाद कंटिन्यू करें पैन नंबर डालने के बाद आपको आपकी पोर्टफोलियो समरी दिख जाएगी यहाँ पे यहाँ पे आपकी करंट वैल्यू होगी यानी कि मार्केट वैल्यू आपके फंड की जो भी आपने फंड में जितना इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आपको यहाँ दिख जाएगा और उस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की मार्केट वैल्यू अभी क्या चल रही है वो करंट वैल्यू आपको यहाँ दिख जाएगी ये आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंट यहाँ पे शो होगा अगर आप नीचे की तरफ स्क्रोल करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने सारे स्कीम्स दिख जाएंगे आपने कौन कौन से स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये वाला स्कीम मैं शो कर रही हूँ तो ये है एसबीआई ब्लू चिप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ अब आप देख सकते हैं कि ये एस बी आई ब्लू चिप फंड है इसका रेगुलर प्लान है अब हमें रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में कन्वर्ट करना है तो अगर आप राइट right साइड में देखे तो आपको यहाँ तीनों प्लान के पास इन्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा इन्वेस्ट के ऑप्शन के बगल में ये ड्रॉप डाउन बटन है इस ड्रॉप डाउन बटन पे आप क्लिक करें तो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा इन्वेस्ट रिडीम स्विच एस टीपी पी इसमें आपको स्विच पे क्लिक करना है स्विच में स्विच पे क्लिक करने के बाद स्विच पे क्लिक करना मतलब आप अपने प्लान को स्विच करना चाह रहे हैं। आपका फंड सेम है बट आप अपने प्लान को रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इसी तरह आप किसी और स्कीम में भी स्विच कर सकते हैं तो स्विच पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं ट्रांसफर फ्रॉम स्कीम यहाँ आपके स्कीम का करंट जो आपका स्कीम है उसका नाम आ जाएगा एसबीआई चिप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ यहां आपको देखना है स्विच टू स्कीम आप कौन से स्कीम में स्विच करना चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको नीचे देनी है ब्रोकर डिटेल्स में आप देख लें यहाँ ये शो कर रहा है लास्ट ब्रोकर इसमें हमें ध्यान से देखना है कि ब्रोकर डिटेल्स में हमें डायरेक्ट चूज करना है आप देख लें यहाँ पे जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे ब्रोकर डिटेल्स में आपको तीन ऑप्शंस दिखेंगे लास्ट ब्रोकर न्यू ब्रोकर डायरेक्ट तो इस पे आप डायरेक्ट पे क्लिक करें डायरेक्ट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ब्रोकर कोड में भी डायरेक्ट दिख जाएगा इसके बाद आपको ये नोटिफिकेशन आएगा चेंजिंग द ब्रोकर विल रीसेट ऑल डेटा डू यू विश टू प्रोसीड आप यहाँ पे यस पे क्लिक करें अब आप देख सकते हैं कि आपने ब्रोकर डिटेल्स में डायरेक्ट चूज कर लिया है अब आप स्कीम नेम में जिस भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो फंड का नाम डालें और उसके साथ डायरेक्ट प्लान चूज करें ये सेम फंड भी हो सकता है जिसमें आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया एस बी आई ब्लू चिप फंड का तो इसका ये रेगुलर प्लान था जिससे मैं डायरेक्ट प्लान में कन्वर्ट कर रही हूँ इसकी जगह आपको अगर कोई और फंड में इन्वेस्ट करना है जैसे एस बी आई आर्बिट्राज फंड उसका डायरेक्ट प्लान आपको लेना है तो वो नेम आप यहाँ पे खुद टाइप करें वो आ जाएगा रिकमेंडेशन में और उसका डायरेक्ट प्लान चूज कर ले अगर नहीं तो जो आपकी ऑलरेडी स्कीम जो आपने ले रखी है उसी का डायरेक्ट प्लान चूज कर ले स्कीम नेम में अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा आई विश टू स्विच तो यहाँ पे कितने यूनिट्स आप स्विच करना चाहते हैं या कितना अमाउंट स्विच करना चाहते हैं या सारा ही पैसा आप स्विच करना चाहते हैं यानी सारा ही पैसा जो आपके रेगुलर प्लान में है उसको डायरेक्ट प्लान में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑल यूनिट्स सेलेक्ट कर लें उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जितनी भी यूनिट्स है वो दिख जाएगी ट्रांजेक्शन डेट यानी जिस दिन आप ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे वहां पे मेंशन आ जाएगा ये सारे डिटेल्स डालने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करें सबमिट पे क्लिक करते ही आपको ये स्विच कन्फर्मेशन का मैसेज आ जाएगा यहाँ पे आपकी फोलियो नंबर मेंशन होगी एडवाइजर डिटेल्स में रीचेक कर ले कि ये डायरेक्ट है और यहाँ पे आपका नेम और फोलियो नंबर मेंशन होगा यहाँ ट्रांजेक्शन डेट जिस दिन ट्रांजेक्शन हो रहा है और कौन से स्कीम फ्रॉम स्कीम टू स्कीम यानी किस प्लान से कौन से प्लान में आप स्विच कर रहे हैं तो पहले हमारा था एस बी आई ब्लू चिप फंड का रेगुलर प्लान अब हमने स्विच कर लिया है एस बी आई ब्लू चिप फंड का डायरेक्ट प्लान कितने यूनिट्स स्विच किए हैं तो यहाँ पे ऑल यूनिट्स और वो मेंशन करके यहाँ पे आपको शो कर देगा इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करें तो आपको दिखेगा आई हैव रेड ऑल टर्म्स एंड कंडीशन एंड स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इस पे आपको राइट इस पे आपको क्लिक करना है तो ये सेलेक्ट हो जाएगा इसका मतलब है कि आपने सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लिए हैं और आप इसके साथ प्रोसीड करना चाहते हैं आप ये स्विच करना चाहते हैं आप अपने प्लान को चेंज करना चाहते हैं तो इस पर टिक करें उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करें कन्फर्म पे क्लिक करते ही आपको एक नोटिफिकेशन आ सकता है कि आप कट ऑफ टाइमिंग के बाद स्विच कर रहे हैं कट ऑफ टाइमिंग तीन बजे होती है तो अगर आप तीन बजे के बाद ये ट्रांजेक्शन करते हैं तो नेक्स्ट डे की जो एनए है उस पर आपका स्विचिंग होगी अगर तीन बजे के पहले करते हैं तो करंट डे की जो एन होगी उस होगी स्विच हो जाएगा अगर कोई एग्जिट लोड होगा तो वो भी एप्लीकेबल होगा जैसे कि मैंने एसबीआई ब्लूचिप फंड में इन्वेस्ट कर रखा था इसका जो एग्जिट लोड होता है वो थ्री इयर्स का होता है तो तीन साल से पहले अगर हम स्विच करते हैं या फिर इसे सेल करते हैं रिडीम करते हैं मनी तो कुछ चार्जेस कट जाते हैं इसी वजह से अगर हम यहाँ पे स्विच कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि एग्जिट लोड ट्वेंटी फोर रुपीज का डिडक्ट होगा यहाँ पे आप yes के साथ प्रोसीड कर लें उसके बाद आपको एक ओ टी पी भेजी जाएगी आपकी रजिस्टर्ड ई मेल आई डी पे और मोबाइल नंबर पे इस ओ को आपको यहाँ एंटर करना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है ओटीपी एंटर करते ही और सबमिट पे क्लिक करते ही आपको ये मैसेज आ जाएगा थैंक यू करके और यहाँ पे आपका स्विच कन्फर्म हो गया स्विच डेट दिखा देगा जिस दिन आपने स्विचिंग किया है ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी और यहाँ पे आपका फोलियो नंबर सो थैंक यू सो मच आई होप ये वीडियो हेल्पफुल थी